सौम्य रंजन को मृत्यु पछरे रही स्त्री विद्या भारती अवहेला स्वामी पोड़ी जाउथुबा देखि मध्ये से कोनोसी प्रकार सहाय्य करिनथिले कि तांको निया लिभेबा को चेष्टा करनथिले। अन्यपटे गणमाध्यम सामनारे मिछ परे मिछ कहि चालिथिले विद्या भारती जे तांको स्वामी को उपरकु पानी फपाड़ी तांको निया लिभेबा को से चेष्टा करथिले एवं तांको विरोध रे लागिबो मामला 285-304 एवं जा होची जे जणे जळी जाउथुबा अवस्था रे तांको नेग्लिजेंसी एवं 304 होची स्वामी को विरोध रे मृत्यु बा हत्यार षडयंत्र। तेरे सौम्यंकर मृत्यु कौनसी होमिसाइडल नुहे बा कौनसी व्यक्ति द्वारा यह प्रायोजित नुहे बा यह हत्या नुहे एवं ता सहित मध्य कहिछंती यह सुइसाइडल मध्य नुहे एकथा सूचना देइछंती संजीव पंडा एडीजी क्राइम ब्रांच। तेरे सुइसाइडल अर्थात सौम्य जाणीशुणी मध्य निजे मरिबा पई चेष्टा करनथले। सौम्यंक मृत्यु जमानबंदी रे लेखा जाइछि जे व्हाइल बर्निंग द पेपर्स द किरोसिन इन द बॉटल वाज पोर्ड ऑन मी एंड द फायर गॉट कॉट अर्थात जो नियाटी लागि जाइथला तांको देहरे जेतेबेले से पेपर गुड़िक किरोसिन पकई पोड़ीबा को चेष्टा करथले। अनेपटे पॉलीग्राफ टेस्ट एवं जो साक्ष्य प्रमाण को ग्रहण करा जाइछि एहा भितिरे कहिछंती एडीजी संजीव पंडा जे यही मृत्यु सहित डीएफओ कौन भी संपर्क ना एमती कि रोसेया मन्मथ कुंभंकर कौन संपर्क ना कि जितेबाला विद्या भारती कथा आसीला से कही जो डाइंग डिक्लेरेशन एवं बाकी जो प्रश्न पचरा जाता पॉलीग्राफ टेस्ट समय तो सेतबेले से कही कौन संतोषजनक उत्तर मिल ना आते पचरा जाता स्वामी जिते दिहार निया लगी तो सी कौन करते हड़बड़ जाते विद्या भारती आउ क्वेश्चन सठिक आंसर दे पार नथले एवं यह स्पष्ट हो जाए वर्तमान विद्या भारती जे कि प्राइम सस्पेक्ट रही थे एवं से ही सौम्यों मृत्यु पछरे दायी तेरे प्रत्यक्ष भाव में सौम्यों को मारी नथिले भी विद्या भारती परोक्ष भाव स्वामी देहरे जितेबाला निया लगी जाता तो सेतबेले यही घटना को से सामने ठिया हो देखिथिले ना ही से पड़ोसी क्या डाकिबाकु चेष्टा करथिले आउ ना ही से निजे निया लभेबाकु चेष्टा करथिले। सबुठ बड़ टर्निंग पॉइंट एथिरे रहिछि जहाँ क्राइम ब्रांच एडीजी संजीव पंडा कहिछंती ताहा विद्या भारती जितेबाले को हाथ लेखा चिठी एवं सौम्य का हाथ लेखा चिठी विद्या भारती का हाथ लेखा चिठी रे यह स्पष्ट भाव प्रमाणित हो रही केते घृणा करुथले सौम्य रंजन को एवं यह एक कारण होइथाई पारे जे सौम्य रंजन का देहरे जेतेबेले निया लागिगला तो सेतेबेले विद्या भारती किछि करनथले तांकु मरिबाकु देइथले आउ यहाँ पर आरंभ होता मेडिकल केस मेडिकल जितेबाला से अणा जाता से एडीजी कहवा कथा तेज डाक्तर आउ बाकी मृत्युकालीन जवानबंदी तहसिलदार लेखा यू स्पष्ट प्रमाण करदे सौम्य निजे स्वीकार करते जे पेपर गुड़िक पढ़ुते एक दुर्घटन देहरे निया लग जा मृत्युकालीन जवानबंदी हूँ सबुठ गोटे बड़ एविडेन्स डाइंग डिक्लेरेशन अर्थात निजर सृष्टिकर्ता अर्थात ईश्वर को भेटा पूर्व मनुष्य कही शेष शब्द ताहा थिला जे तांको मृत्युर कारण केही नुहंती जेतेबेले से पेपर पढ़ुते सही समय रे ही तांको देहरे निया लगी जाता तेरे गोटे कथा एथर स्पष्ट जे विद्या भारती जी घृणा करुले सौम्य रंजन को एवं गोटे छोट घटना एवं तापर जो सौम्य रंजन का देहरे निया लगला एथेर विद्या भारती साइलेंट ही रही से घटना को केवल देखि रखिले सौम्य गोटे पटे पढ़ुते आ विद्या भारती निजे ठिया हो रही थे सौम्य देहरे निया लगे से चित्कार करुले अन्य पक्ष विद्या भारती स्थाणु हो पाटी तुंडी बांधि ना पड़सा घर लोक क्या डाकि ना ही निजे निया लिभेवा चेष्टा करुले एवं विद्या भारती विपक्ष में लग 285 आउ 304 भली संगीन धारा तेरे देखा जाऊ विद्या भारती कौन कहते बापा जीक हाथ जोड़ी कहते गणमाध्यम सामने आम मानसिक दुश्चिंतार अच्छा बेफिकर है मूव ऑन करने विद्या भारती बलांगीर में जो परीक्षा देवा जाते एवं ताकि जड़े दूसरा जे सौम्य मृत्यु पर कौनसी भी से भाई प्रतिक्रिया ना ये सब उपर कौन प्रतिक्रिया दौरान विद्या भारती पंडा जहाँ देखा बाकी रहा आश्चित यो रिपोर्ट बर्तमान एडीजी संजीव पंडा या उपर मीडिया रे एवं गणमाध्यम तो प्रश्न उठब एवं बुद्धिजीवी महल में कौन प्रश्न उठू सौम्य बापा सौम्य पर कौन किभली ग्रहण कर देखा बाकी रहा पारलाखमंडर जो सौम्यरंजन महापात्र मृत्यु घटना तार क्राइम ब्रांच तदंत भार नहीं इतिम्य आमर क्राइम ब्रांच जो तदंतकारी दल से ये केस्र तदंत शेष करदंत बेले आम क्राइम ब्रांच टीम स्पॉट गस्त करते अनेक साक्षी को एग्जामिन कर सारी गजपति जिला पुलिस द्वारा स्पॉट रू मिलता एक्जिबिट्स डीएफएसएल गजपति द्वारा स्पॉट रू मिलता
एक्जिबिट्स एवं SFSL टीम द्वारा स्पॉट रूम मिलिथिबा एक्जिबिट गुड़िकर फोरेंसिक एनालिसिस रिपोर्ट आमर टीम पाई सारिछंती आउ पोस्टमार्टम रिपोर्ट मध्य आसी सारिछि एवं तार क्वेरी रिपोर्ट मध्य टीम पाई सारिछि। सौम्यरंजन विद्याभारती एवं डीओकंकर फोन रो CDR एनालिसिस मध्य हस्तगत होइछि। मजिस्ट्रेट एवं डॉक्टर को द्वारा रिकॉर्ड करा जाइथिबा डाइंग डिक्लेरेशन मध्य जबत होइछि एवं डाइंग डिक्लेरेशन बेलर वीडियो मध्य जबत होइछि। एतद्वत तीन जन जो मुख्य सस्पेक्ट थे केस रे संग्राम किशोरी बेहरा मनमत कुंभ एवं श्रीमती विद्याभारती पंडा से मानकर पॉलीग्राफ टेस्ट करा जाइथिला एवं तार रिपोर्ट मध्य आम पाखे पहुँची। समय एवं विद्याभारती जो डायरी तार हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को पाखु पठा जाइथिला तार रिपोर्ट मध्य आसी सारिछि एवं समयंकर जो डायरी साइकोलॉजिकल एनालिसिस पई प्रोफेसर साइकोलॉजी पाखक पठा जाइथिला एवं तांकर ओपिनियन मध्य टीम पाखरे पहुँचे। साक्षी मानकर जमानबंदी साइंटिफिक दलर स्पॉट एनालिसिस रिपोर्ट एवं RFSL रो जो एग्जिबिटर एग्जामिनेशन रिपोर्ट ये सबुरु एनालिसिस कला परे जाना पड़ुछि जे सौम्यरंजन कर बासभवन ही घटना जो घटनाटी घटी बासभवन में ही घटी। तापरे आसवा आम जो तीन जन सस्पेक्ट थे रोल उपरे प्रथम DFO रोल उपरे आमर जो तदंत ब्यूरो रिपोर्ट ओडिशा भास्कर।